बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन करंट अफेयर्स। सो वी विल टॉक अबाउट एट टिप्स टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन करंट अफेयर्स। बट बिफोर एम्बार्किंग ऑन दिस टॉपिक आई वुड से लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लीव योर कमेंट। और अगर आप कोई किसी खास टॉपिक पे नोट्स चाह रहे हैं या उस पे लेक्चर चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाई दिस चैनल, व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? इट्स ए काइंड ऑफ वर्चुअल एकेडमी फॉर द कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। यू विल फाइंड क्वालिटी रीडिंग मटेरियल बेस्ड ऑन थॉरो रिसर्च, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस। I would claim material here is sufficient. You may rely on it as your single source. At least आपको idea हो जाएगा एक topic के बारे में, और enough material जो है वो given है। फिर इसमें CSS PMS के पुराने papers solve हुए हुए हैं, बहुत सारे question हम solve करते जा रहे हैं साथ साथ। It's not only for CSS PMS aspirants but anyone who has general interest in current affair and general knowledge. That this is also useful for that person. You should watch all our lectures क्योंकि सारे सीक्वेंस में हैं, और ये चूँकि हमने पूरा सिलेबस कवर करना है तो तमाम इन तमाम लेक्चर्स में तमाम सिलेबस मौजूद है। और अभी तो हम इसको इवाल्व करते जा रहे हैं, साथ साथ एडअप करते जा रहे हैं, तो टाइम विल कम के इसमें सारा सिलेबस हो जाएगा। टिप नंबर वन, आप क्योंकि जैसे स्टडी हम जिस तरह टॉपिक लिख रहे हैं वो सारे रिसर्च बेस्ड हैं, तो आपने भी रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, और FPSC की जो सिलेबस गाइडलाइन है उनको फॉलो करें, उनमें जो टॉपिक गिवन है उनको आपने तैयार करना है, और उनको रोशनी में तैयार करना है। सबका पेपर्स जो CSS के पेपर्स हैं या PMS के पेपर्स हैं उनकी रोशनी में आपने उनको तैयार करना है। बाकी हम जो आपको यहाँ पे शेयर करते जा रहे हैं साथ साथ टॉपिक्स, उनको उसी अंदाज से ही सॉल्व किया गया है। टिप नंबर टू ये है कि आपने जो भी रीडिंग करनी है उसको हमेशा केयर एंड अप्रिसिएशन के तहत करें, और हमेशा उसको क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है आपने, एंड थिंक क्रिटिकली, मीनिंग दे आर बाई कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो उससे आपके थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट होना चाहिए। मीन आपने सिर्फ रीडिंग नहीं करनी बल्कि साथ साथ सोचना भी है कि आपको आप इस टॉपिक के बारे में क्या राय रख रहे हैं, और आप की क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आपकी क्या इसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, क्या आप इसे एग्री कर रहे हैं, क्या डिसएग्री कर रहे हैं, क्या आपको कंटेंट पढ़ने में यू आर फीलिंग एनी इंटरेस्ट। तो जब आप वो सारा पढ़ लें उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को भी ड्राफ्ट करें कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, और उनके आंसर भी सर्च करें। लेट्स से मुझे अगर पता चले कि बलूचिस्तान में जो सेकंड एथनिक ग्रुप है वो पश्तून है, मैंने पढ़ा किसी जगह पे, तो लाजमी तौर पे ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फर्स्ट एथनिक ग्रुप कौन सा हो सकता है, जो सेकेंड नंबर पे तो पश्तून है बलूचिस्तान में, तो फर्स्ट नंबर पे कौन से हैं, यानी मेजोरिटी कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने जब भी स्टडी करनी है, इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से आपने स्टडी करनी है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना, उनको सेटिस्फाई करना है थ्रू योर रिसर्च। तो फिर उसमें आपने रिफ्लेक्शन अपने नोट्स की फॉर्म में आपने अपने वर्ड में लिखनी है, और जब आप इस तरह टॉपिक को तैयार कर लेंगे यू विल बी एबल टू डिस्कस दैट टॉपिक विद योर फ्रेंड्स। You should share it with others. What you learn, you should share with others. You should teach others. And discussion से आपका knowledge complement होता है, उसमें perfection आती है। ये है knowledge cycle जो हमने बात की, वो इसी को लिखा हुआ है, observation से, reading से, फिर reading के साथ जब आप सोचते हैं, जब उसमें आप उसको critically देखते हैं, और फिर इनको mix करके जब आप अपनी reflection लिखते हैं अपने words में, तो तब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इसको दूसरों के साथ share कर सकें। एंड शेयरिंग एंड टीचिंग एंड डिस्कशन के साथ आपका जो है वो आपको भूलता नहीं है, वो आपको याद रहता है, और आप उसमें डिफरेंट एंगल्स उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर का जो सिलेबस है
वो ओवरलैपिंग विद अदर सब्जेक्ट्स है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी काफ़ी सारों के साथ इसका सिलेबस जो है वो मैच ओवरलैप करता है। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ इसका सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता है, और ये आपको ऐसे की पेपर की तैयारी के लिए भी मवाद फ्राहम करता है। टिप नंबर 3 बहुत अहम है, आपने करंट अफेयर की स्टडी को एंजॉय करना है। इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग सब्जेक्ट है। देखिए, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, कंसिडर देम एज ह्यूमन बींग्स, दे प्ले देयर गेम्स, कंस्पायरेसीज हैं, उनकी स्टोरीज हैं, रिलेशनशिप्स की उनकी दुश्मनियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, दे फाइट विद ईच अदर, दे मेक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने लिखा है कि स्टडिंग करंट अफेयर इज लाइक रीडिंग नॉवल्स और स्टोरीज, इंजॉय स्टडिंग इट, टेक द अफेयर ऑफ द कंट्रीज एज द स्टोरीज ऑफ रोमांसेस, दे फाइट विद ईच अदर, दे मेक फ्रेंड्स, दे गो इन टू वार, दे मेक अलायंसेस, दे आर ग्रीडी, दे वॉच फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट पूरा हो जाए तो कैसे दूसरे को छोड़ देते हैं, कैसे उनकी ट्रांसपेरेंसीज हैं। फिर उनके अंदर हिस्ट्री में जो करेक्टर्स होते हैं, देर आर डिक्टेटर, साइकोपाथ, जोकर, एंटरटेनर एंड द मैड पर्सन, देर आर ऑब्वियसली गुड पीपल आल्सो। और ये आप जब उनको उनकी करेक्टर स्टडी करते हैं तो आप बोर नहीं होते, आप इंटेलेक्चुअल प्लेयर आपको मिलता है और आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? और ये एक्चुअल स्टोरीज हैं, ये रियल टाइम स्टोरीज आप एंजॉय करते हैं, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई इमेजिनरी कहानियां नहीं है, ये बनी बनाई कंकॉक्टेड स्टोरीज नहीं होती, ये एक्चुअल स्टोरीज होती हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट इवॉल्व होता है। और कंट्रीज प्ले देयर गेम, जैसे कि मैंने बताया, और जो वरेशियस और जो इंटरेस्टेड रीडर्स हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। आप ये समझें कि वर्ल्ड इज ए प्ले ग्राउंड, दुनिया एक प्ले ग्राउंड है जिसमें जितने भी ममालिक हैं या जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे आर देयर प्लेयर्स, सम आर हाइपर एक्टिव, सम आर ओनली एक्टिव एंड द रेस्ट आर पैसिव। तो आप उसके, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जब आप पढ़ते हैं, तो आप उसके तमाशाई बन जाते हैं, आप देखते हैं अपनी आंखों से कि दुनिया के ममालिक कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। एट वन टाइम बहुत सारे इशूज चल रहे होते हैं, बहुत सारी वार हो रही हैं, बहुत सारी डिबेट्स चल रही होती हैं, यू एंजॉय दैट डिस्कशन। टिप नंबर 4, आपका जो एनालिसिस है और जो आपकी ओपिनियन है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होनी चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज, जज्बात के ऊपर आपने उसको बेस नहीं करना। और जब भी आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, जब भी आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से यू आर डिस्कसिंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आपने उसके जो सोल्यूशन देने हैं वो उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। यू आर डिस्कसिंग बलोचिस्तान इशू, कश्मीर इशू, कोई भी इशू है, तो आपकी अप्रोच एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की होनी चाहिए। यानी आपने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना कि आप स्ट्रक हो गए हैं, आपके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। वट यू राइट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यूर पर्सनैलिटी, इस बात को आपने याद रखना है। फिर ये कुछ प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए टिप्स हैं, और प्रेजेंटेशन आपने ज़रूर बेहतर करनी है अपने पेपर की, इससे आपके मार्क्स अच्छे होंगे। हैंड राइटिंग को अच्छा करें, अगर आपकी इंप्रेसिव है, वेल एंड गुड, अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा रखें, एटलीस्ट इट शुड बी लेजिबल, और फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, हेडिंग्स दें, आउटलाइन बनाएं, और अपने आर्गूमेंट्स को आप सब्सटेंशिएट करें, रेफरेंस दें हिस्ट्री से, फिगर, डेटा, कोटेशन कोट करें, इक्तबासात हैं, स्पीचेस से, बुक से, इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, या कोई भी टूल है टू सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट, वो आपने कोई ऐसा आर्गूमेंट, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसको आप सपोर्ट ना कर पाए। हमेशा जो बात भी आपने करनी है, जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस हो, दैट शुड बी वेल फाउंडेड, दैट शुड बी सपोर्टेड बाई relevant arguments, relevant examples, relevant references. ये है टिप नंबर 6 कि आपने अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए कौन से टूल यूज कर सकते हैं। आप ग्राफ बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, आप लेट्स से अगर आप ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का कर रहे हैं, तो आप एक रफ मैप बना सकते हैं कि कहाँ से तो उसका रूट क्या है, उस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का। इसी तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट को, हेडिंग लिख सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं।
इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, आई कैचिंग होती है और आपको 6 नंबर मिलते हैं। टिप नंबर 7 बहुत अहम है, कोशिश करना है कि आप किसी भी इशू के बारे में स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लें। अगर आपने ये बात कहनी है कि पाकिस्तान 1947 में यूएन का मेंबर बना, तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं कि पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ द यूएन इन 1947, फिर आप इसमें सब महीना ऐड कर दें, और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ द यूएन ऑन September 30, 1947। ये बेस्ट वे है, जब भी आप कोई रेलेवेंट फैक्ट कोट कर रहे हो तो उसमें उसको कोशिश करें उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाए। ये एक जस्ट एग्जांपल दी है जो आपको शो करेगी कि जो जितना आप कंप्लीट और स्पेसिफिक जाते हैं किसी रेलेवेंट फैक्ट को कोट करते हुए, उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। और आखिर में आपकी टाइम मैनेजमेंट है पेपर के दौरान, आप अपने पेपर के जो टाइम को डिवाइड कर लें, यू नो 180 मिनट्स आर देयर, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 30 मिनट्स गो टू MCQs, यू आर लेफ्ट विद 150 मिनट्स एंड यू आर टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। अगर आप 18 मिनट निकाल लें या 20 मिनट निकाल लें रिव्यू के लिए, रिविजन के लिए, तो यू आर लेफ्ट विद 132 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 33 मिनट्स मिलते हैं, यानी आपने जब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 33 मिनट्स मिलते हैं, और ये अच्छा खासा टाइम होता है। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें तो उसको रश नहीं करना कि लिखना स्टार्ट कर देना है, हमेशा 4 से 5 मिनट लें, उसमें आपने कुछ नहीं लिखना, उसमें आपने सिर्फ सोचना है और सोचने के साथ साथ रफ आउटलाइन बनाती जानी है कि इसमें मैंने लिखना क्या है। आखिरी पेज पे आपने रफ आउटलाइन बनानी है कि मैंने इसमें लिखना क्या है, और उसमें आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लॉजिकली उनको सीक्वेंस दे सकते हैं रफ आउटलाइन में, और बहुत सारे आइडियाज़ को फिल्टर कर सकते हैं। 5 मिनट तक आपने कुछ नहीं लिखना, उसके बाद बचेंगे आपके पास 27 to 28 मिनट्स एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जो अच्छा खासा टाइम है। याद रखिएगा, आपने ये नहीं करना कि सफात भर देने हैं, 6 सफात लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, आपने इस रेस में पढ़ना ही नहीं है। जितना आप रेलेवेंट लिखेंगे, प्रिसाइज लिखेंगे, जितना आप क्वालिटी कंटेंट देंगे, उतना आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपने 4 सफ़े भी लिखे हैं, 4 पेजेस लिखे हैं, बट क्वालिटी का कंटेंट दिया है, टॉपिक को डायरेक्टली हिट किया है, जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है उसको समझा है, उसी के मुताबिक जवाब दिया है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। In the end, my all best wishes for you. Thank you all.